वेलकम बैक टू प्रोबुल्स, दिस इज सागर। दोस्तों ये हमारी फॉरेक्स सीरीज का फोर्थ वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी फॉरेक्स मार्केट के बारे में, फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, फॉरेक्स मार्केट कैसे काम करता है और आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो 3 स्टेप्स में, उसके बारे में हमने बात की थी। सेकेंड वीडियो में हमने बात की थी फॉरेक्स मार्केट के टाइमिंग के बारे में। फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स शुरू होता है और सैटरडे संडे क्लोज होता है, सबको पता है। लेकिन इसमें सेशंस कितने होते हैं, किस सेशन में ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है और आपको किस सेशन में ट्रेडिंग करनी चाहिए, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। थर्ड वीडियो में हमने बात की थी फॉरेक्स मार्केट में लॉट का मतलब क्या होता है, लॉट साइज़ कितने प्रकार की होती है, आपको कितनी कौन सी लॉट साइज लेनी चाहिए, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है। और ये हमारा फोर्थ वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरेक्स मार्केट में पिप क्या होता है, पिप वैल्यू कितनी होती है और पिप वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, मतलब आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितने पिप्स पे कितना लॉस हो रहा है, वो कैसे कैलकुलेट करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ और आपको वो आसानी से समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज पिप, पिप का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों अगर हम स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और किसी शेयर का प्राइस चेंज हमें बताना हो तो वो हम या तो रुपीज़ में बताते हैं या फिर परसेंटेज में बताते हैं। फॉर एग्जांपल निफ्टी आज 200 रुपीज़ बढ़ गया, TCS आज 5% गिर गया, इस तरीके से, या मतलब रुपीज़ में बताएंगे या फिर परसेंटेज में बताएंगे। अगर हम क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, प्राइस चेंज बहुत ज़्यादा होता है, तो मोस्टली हम परसेंटेज में ही बात करते हैं। जैसे कि XRP आज 8% बढ़ गया, BNB आज 12% बढ़ गया, TRX आज 15% बढ़ गया, इस तरीके से। लेकिन दोस्तों जब हम फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर प्राइस चेंज बहुत कम होता है, मतलब पॉइंट्स में होता है, और परसेंटेज चेंज भी बहुत ही कम होता है। तो इसलिए इंटरनेशनली एक यूनिट डिसाइड किया गया पिप। तो किसी भी करेंसी पेयर का अगर प्राइस चेंज हमें बताना है तो वो हम पिप में बोलते हैं, मतलब कोई भी करेंसी पेयर कितना बढ़ा या कितना घटा वो अगर हम बताएंगे तो पिप में बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल यूरो USD आज 50 पिप्स बढ़ गया, 100 पिप्स बढ़ गया, यूरो JPY आज 100 पिप्स गिर गया, इस तरीके से। तो अब बात करते हैं कि ये पिप कैलकुलेट कैसे करते हैं, मतलब कोई भी पिप कितना बढ़ा या कितना घटा ये कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो दोस्तों फॉरेक्स में दो टाइप्स के करेंसी पेयर होते हैं, एक करेंसी पेयर जिसका डेसिबल के बाद 4 डिजिट्स होते हैं और दूसरा करेंसी पेयर जिसका डेसिबल के बाद 2 डिजिट्स होते हैं। मतलब यूरो USD की प्राइस है 1.0120, तो यहाँ पर डेसिबल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 4। और दूसरा करेंसी पेयर होता है जिसका डेसिबल के बाद 2 डिजिट्स होते हैं, मतलब यूरो JPY इसका प्राइस है 144.60, तो मतलब डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। तो अब पिप कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस करेंसी पेयर में डेसिमल के बाद जो फोर्थ डिजिट है वो होता है पिप, मतलब अगर इसके प्राइस 1.0120 से हो जाते हैं 21, मतलब एक पिप बढ़ गया। अगर ये हो जाती है कि 25, मतलब 5 पिप्स बढ़ गया। अगर ये 1.0120 से हो जाती है 50, तो मतलब कितना बढ़ गया, 30 पिप्स बढ़ गया। इस तरीके से पिप कैलकुलेट करते हैं। और इस करेंसी पेयर में जो सेकंड डिजिट होता है वो होता है पिप, मतलब अगर इसकी प्राइस 144.60 से हो जाती है 61, मतलब एक पिप बढ़ गया। अगर ये हो जाता है 65, मतलब कितना बढ़ गया, 5 पिप्स बढ़ गया। अगर ये हो जाता है 90, तो कितना हो गया, 30 पिप्स बढ़ गया, इस तरीके से। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी करेंसी पेयर का प्राइस चेंज जो पिप से कैलकुलेट कैसे करते हैं। लेकिन दोस्तों अब क्या हो गया है, ब्रोकर्स के कंपटीशन की वजह से जिस करेंसी पेयर में डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स होते थे वहाँ पर अभी 5 डिजिट्स हैं, और जहाँ पर 2 डिजिट्स होते थे डेसिमल के बाद वहाँ पर अभी 3 डिजिट्स हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें जो 5th डिजिट है वो हम अवॉइड कर सकते हैं, 4th डिजिट से ही हमें पिप्स कैलकुलेट करना है, और इसमें जो 2nd डिजिट से उधर से हमें पिप कैलकुलेट करना है, 3rd डिजिट अवॉइड करना है। और अगर कैलकुलेट करते भी हो तो वो क्या हो जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। मतलब जैसे कि अगर इसकी प्राइस है 144.600, अब 3 डिजिट्स आ गए, अब इसमें ये हो जाता है कि 144.615 हो जाता है, तो हम 2nd डिजिट से हम कैलकुलेट करेंगे तो पिप कितना बढ़ गया, एक पिप बढ़ गया, लेकिन 3rd डिजिट को भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो पॉइंट में आ जाएगा, मतलब 1.5 हम उसे कैलकुलेट करते हैं। तो पॉइंट को तो हम अवॉइड कर सकते हैं, हमें एक रफ आइडिया या रफ कैलकुलेशन के लिए पॉइंट को अवॉइड कर सकते हैं, और यहाँ पर 4th डिजिट और यहाँ पर हम 2nd डिजिट से ही पिप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हमें कितने पिप्स पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो कैसे हमें पता चलेगा।
अगर आप कोई ट्रेड लेते हो यूरो यूएसडी में, आपने ट्रेड ले लिया, अब इसमें आपने टारगेट लगा दिया 100 पिप्स का और स्टॉप लॉस लगा दिया 40 पिप्स का, अगर आपका टारगेट हिट हो जाता है तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, या आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपको कितना लॉस हो रहा है, वो कैसे कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके लॉट साइज के ऊपर। तो ये एक रफ एग्जांपल है, अगर आपका एक लॉट साइज आप लेते हो, स्टैंडर्ड लॉट आप लेते हो, तो आपको एक पिप के ऊपर $10 का प्रॉफिट होता है। मतलब अगर आपका $100 का टारगेट है तो आपको 1000 रुपीज का प्रॉफिट होगा, और 40 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस है तो अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको $400 का आपका लॉस होगा। अगर आप मिनी लॉट लेते हो, मतलब 0.1 लॉट, तो यहाँ पर आपको एक पिप पे $1 का प्रॉफिट होता है। मतलब 100 पिप्स पे आपका $100 का प्रॉफिट होगा और 40 पिप्स पे आपको 40 पिप्स का लॉस होगा, इस तरीके से। और अगर आप माइक्रो लॉट लेते हो, मतलब 0.01, तो यहाँ पर आपको एक पिप के ऊपर $0.1 का प्रॉफिट होता है। मतलब 100 पिप्स पे आपको कितना प्रॉफिट होगा, 10 डॉलर का, और 40 पिप्स पे आपको लॉस कितना होगा, $4 का, इस तरीके से। तो दोस्तों ये भी आपको एक रफ कैलकुलेशन के लिए है कि आपको प्रॉफिट या लॉस अगर आपको कैलकुलेट करना है पिप्स के ऊपर। लेकिन क्या होता है कि किसी किसी करेंसी पेयर में आपको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है, जैसे कि अगर आपने मिनी लॉट लिया है, 0.1 लॉट लिया है, तो किसी करेंसी पेयर में आपको 1 पिप पे $1 का प्रॉफिट हो रहा है, किसी करेंसी पेयर में आपको 1 पिप पे 0.98 का होगा, किसी पेयर में $0.86 का प्रॉफिट होगा, इस तरीके से। लेकिन अप्रोक्सीमेटली आप $1 पकड़ के चलो, ये जो मैंने आपको अभी चार्ट बता दिया। तो दोस्तों आई होप कि मैं आपको पिप क्या होता है, पिप वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, पिप्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करना है, ये सब कुछ आपको समझाने में मैं सक्सेसफुल रहा, कामयाब रहा। अगर आपको समझ में आया होगा तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो भी आपका कोई फ्रेंड होगा जो फॉरेक्स में इंटरेस्टेड है, तो उनको ये हमारी फॉरेक्स सीरीज ज़रूर रिकमेंड करिए। प्रोबुल चैनल पे आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में फॉरेक्स सीरीज मिल जाएगी, वो आप उन्हें रेकमेंड कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। इन दिस वर्ड्स साइनिंग आउट सागर, थैंक यू सो मच।